हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अर यूट्यूब चैनल स्टडी हब आज के इस लेक्चर में हम लेके आए हैं कंप्यूटर के मॉक टेस्ट फॉर जेके एस एस बी एग्जामिनेशन एस्पेशली सुपरवाइजर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम जो है ट्वेंटी थर्ड ऑफ जून को कंडक्ट कराया जाएगा आपके पास ओनली एंड ओनली वन मंथ है रिवीजन के लिए ये जो एक मंथ रह गया है इसमें सिर्फ मॉक टेस्ट एम सी क्यू एंड रिवीजन इसके अलावा नया कुछ नहीं पढ़ना है आपने अगर हम बात करें पर्टिकुलरली सुपरवाइज़र की तो सुपरवाइज़र में कंप्यूटर कंपोनेंट टेन मार्क्स का है और आपको टेन ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दस मार्क्स का है दस क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी तरीके से हम सेम टेन ही क्वेश्चन लेके आए हैं फुल कंपोनेंट कंप्यूटर के रिलेटेड इस छोटे से मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है किस लेवल तक आपने प्रिपेयर किया है तो हम छोटे छोटे कंपोनेंट में ही मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे ताकि आपको पता चले किस सब्जेक्ट में आप कहाँ पे हो फॉर एग्जांपल कंप्यूटर रिवाइज करना उसके बाद एक मॉक टेस्ट जो है उसको अटैम्प्ट करना फिर देखना आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है हमने दो और मॉक टेस्ट जो हैं वो अपलोड कर रखे हैं वो भी अटैम्प्ट करके ज़रूर देखना जैसे जी के जो ट्वेंटी मार्क्स का है वो हमने का, वो अपलोड करके रखा है उसके बाद साइंस का मॉक टेस्ट एक अपलोडेड है वो भी ज़रूर से देख लेना ठीक है आपको पता चल जाएगा आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सबसे पहले क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज़ द इंटरनेट इंटरनेट जो है वो कौन से टाइप का नेटवर्क है लैन वैन मैन या फिर डी ए एन सो so, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ वैन ठीक है वाइड एरिया नेटवर्क उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस नॉट पूछा है नॉट मीन्स हमने आउटपुट ढूंढना है है ना हमने आउटपुट मार्क करना है तो ऑप्शंस हैं कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर तो कीबोर्ड क्या है इसे हम इनपुट करते हैं माउस हम इनपुट देते हैं स्कैनर की बात करें स्कैनर भी इनपुट करता है एंड प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस है ना उसके बाद स्पीड ऑफ हार्ड डिस्क इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ हार्ड डिस्क जो है उसकी स्पीड किस में मेजर की जाती है रेवोल्यूशन पर मिनट मेगाबाइट पर सेकेंड क्लॉक स्पीड या फिर पिक्सल फिल रेट तो इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा रेवोल्यूशन पर मिनट इन हाउ मेनी जनरेश कंप्यूटर कैन बी क्लासीफाइड जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ा था हमने कितने टाइप्स की जनरेशन्स थी वेरी गुड फाइव तरीके की है ना पाँच तरीके की जनरेशन्स थी बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाई आर्किटेक्चर जो था कंप्यूटर का वो किसने डेवलप किया था जॉन वन न्यूमैन ने चार्ल्स पेबेज ब्लेजे पासकट या फिर नन ऑफ द वर्ब आर्किटेक्चर कौन था जॉन वॉन न्यूमैन चार्ल्स वेबेज की बात करें तो ये फादर है कंप्यूटर के ब्लेजे पासकिल की बात करें तो इन्होंने भी एक इन्वेंशन की थी है ना तो ये जो है याद रखना छोटे छोटे फैक्ट ऐसे एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एज इट इज़ जी जो आई स्टैंड फॉर जी जो आई के आपने फुल फॉर्म बतानी है ग्राफ यूज इंटरफेस ग्राफिकल यूनिवर्सल इंटरफेस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ग्राफिकल यूनिक इंटरफेस देखो जेके एस एस बी के एग्जाम में एक ना एक आपको फुल फॉर्म जरूर आएगी तो आप फुल फॉर्म पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा एक मार्क्स आपका पक्का है ठीक है तो जी जो आई की बात करें इसका सही आंसर रहेगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ठीक है विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स इन द नेटवर्क ओ एस आई लेयर सामने पढ़ी थी सेवन सात तरीके की लेयर्स थी हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन कौन सी लेयर मैनेज करती है दैट इज बताओ बताओ इसमें डाटा लिंक लेयर ठीक है विच अमंग द फॉलोविंग क्रिएट एन ई मेल हाइपर लिंक टू अ वेब पेज वेब पेज के ऊपर अगर आपने ई मेल का हाइपर लिंक क्रिएट करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी बताओ मेल टू ठीक है ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट विच टाइप ऑफ वायरस इज एक्सप्रेसिटी डिजाइंड टू हाइड इट सेल्फ फ्रॉम द डिटेक्शन ऑफ एंटीवायरस ऑप्शन है पॉलीमार्फिक वायरस वर्म वायरस स्टेल्थ वायरस माइक्रो वायरस आपको बताना है ऐसा कौन सा वायरस है जो खुद को बचा के रखता है या खुद को छुपा के रखता है एंटीवायरस के डिटेक्शन से तो उसका आंसर रहेगा स्टेल्थ वायरस ठीक है इसका आंसर सी पार्ट आईपी एड्रेस वर्जन यहाँ पे लिख लेना फोर ठीक है वर्जन फोर इज इन विच फॉर्मेट कौन से फॉर्मेट में है वर्जन फोर फोर बिट है एट बिट है सिक्सटीन और थर्ट टू बिट बताओ कितने बिट्स की ये जो आई पी वी फोर वर्जन है इसमें इसकी लेंथ कितने बिट्स की है इसका ऑप्शन रहेगा थर्टी टू ठीक है सो so, यहाँ तक आपका जो भी स्कोर रहा होगा आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में लिख के बताना आपके कितने स्कोर्स हैं इसी तरीके के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब आपके पास सिर्फ एक मंथ रहा है इस टाइम आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है एम सी क्यूज अटैम्प्ट करने हैं मॉक टेस्ट देने हैं अन रिविजन करनी है ठीक है ये तीन काम होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेनी है तो आई होप कि यहाँ तक आपका अच्छा स्कोर रहा होगा सो so, हमारे सारे लेक्चर्स हैंडराइटिंग मटेरियल से कवर हैं अगर आपने कोई भी कंपोनेंट छोड़ा है या किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमारे जो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे हैंड रिटन मेटीरियल से कवर है अगर आपको कोई भी कंपोनेंट की ज़रूरत है तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर से बताइए जरूर से हम उसके ऊपर लेक्चर्स लेके आएंगे अगर आपको मॉक टेस्ट अच्छे लग रहे हैं तब तो भी आप बताइए कि और मॉक टेस्ट चाहिए हम थ्री टू फोर हर एक कम्पोनेंट के थ्री टू फोर मॉक टेस्ट कंडक्ट कराएंगे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट थैंक यू सो मच टिल देन बाय बाय टेक केयर